दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन 2023। दोस्त अगर देखा जाए स्कॉलरशिप के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट आ रही है। आज के कुछ तमाम न्यूज़पेपरों में जो है दिया जा रहा है कि जीरो फीस पर एडमिशन शुरू। आखिरकार स्कॉलरशिप बेस पर जो एडमिशन हो रहा है, यानी अगर जीरो फीस पर एडमिशन होता है तो फाइनली कॉलेज वाले करते क्या हैं कि आपकी जो भी स्कॉलरशिप आती है वो कॉलेज की हो जाती है। अब उसमें क्या कुछ कैसे हैं, बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करेंगे। शुल्क प्रतिपूर्ति कब तक, और आप लगातार पूछ रहे हैं कि भैया स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी, तो बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करेंगे। आय प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, ये आय प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए काफ़ी ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। नीचे हाँ, जनरल OBC SC ST सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। नीचे देख पा रहे हैं कहा जा रहा है BA BSc BCOM MA MSc MCOM DLED BEd, तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए यहाँ आपके बीच में अपडेट्स लगी है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है समाज कल्याण राज्य मंत्री के बयान से असंतुष्ट सभा विधानसभा में बहिर्गमन। अब नीचे यहाँ देखिए कहा जा रहा है निजी संस्थानों में SC ST के छात्रों को जीरो फीस पर दाखिले अगले साल से। हालांकि आप लगातार इस अपडेट्स को देखने के बाद कह रहे थे कि भैया अगर दाखिला अगले साल से है तो कॉलेज वाले कैसे इसी जो है जीरो फीस पर ले रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों पर जीरो फीस के दाखिले की व्यवस्था अगले साल निजी संस्थानों में भी लागू हो सकती है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगले साल निजी शिक्षण संस्थानों में यह व्यवस्था लागू करने के बारे में तय किया जाएगा। मंत्री के इस जवाब में असंतुष्ट होकर सपा सदस्यों ने प्रदेश सरकार के दलित विरोधी होने के आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया। सपा सदस्यों का कहना है कि जीरो फीस पर दाखिला नहीं हो पा रहा है। अयोध्या की सुहावल विधानसभा सीट पर अब यहाँ आपने देख लिया, हालांकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल के लिए इस पूरे पेपर कटिंग पर अगर हम यहाँ थोड़ा सा और हम आपको बताना चाहेंगे। अवधेश प्रधान मुद्दा उठाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें जीरो फीस पर दाखिला नहीं मिल पा रहा है। सपा के सदस्य लालजी वर्मा ने अवधेश प्रसाद के समर्थन में कहा कि सिर्फ सरकारी व अनुदानित कॉलेजों में ही जीरो फीस पर दाखिले हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर रागनी सोनकर ने कहा कि जातीय जनगणना न करवाकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से असंवेदनशीलता का परिचय दिया है। इस चर्चा का जवाब देते हुए प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि जीरो फीस पर दाखिले होते थे, छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति की भरपाई भी होती थी, मगर बाद में यह व्यवस्था बंद कर दी गई है। इस पर केंद्र सरकार ने एक नई व्यवस्था जो है फ्रीशिप कार्ड की शुरू की है। कहा जा रहा है इसके तहत जो जरूरतमंद छात्र छात्राएं जीरो फीस पर दाखिला चाहते हैं वो समाज कल्याण के पोर्टल पर अपना पूरा विवरण दर्ज कराएंगे, इसके बाद फ्रीशिप कार्ड मिलेगा। मगर अब यह व्यवस्था सरकारी और अनुदानित विद्यालयों में ही लागू हो गई है। नीचे हाँ आपने देख लिया, यानी आपको अब लग रहा है हालांकि इस सत्र से तो जीरो फीस पर एडमिशन नहीं हो रहा है। भले ही तमाम कॉलेज आपके बीच में ले रहे हैं लेकिन ये नियम तो नहीं है, लेकिन उनको पता है SC ST के जो छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप 100% आती है, और अगर स्कॉलरशिप आएगी तो जाहिर सी बात है उनकी जो फीस प्रतिपूर्ति है, शुल्क प्रतिपूर्ति है, वो हो जाएगी और आपसे वो जो भी पैसा रहेगा वो आपसे वसूल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आय प्रमाण पत्र के संदर्भ में यहाँ देख पा रहे हैं 75% उपस्थिति आपकी अनिवार्य है, मैंने आपको बता ही दिया है। और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए जो है SC ST के जो छात्र हैं उनके लिए 2.5 लाख जो है सालाना आयु होनी चाहिए, सामान्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 2 लाख होने चाहिए। ठीक है, इसे भी आपने देख लिया। अब यहाँ आप लगातार जो कह रहे थे कि आखिरकार जो हमारी शुल्क प्रतिपूर्ति है वो कब तक हो जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा जो पहले फॉर्म भरेगा, जिसका पहले फॉर्म फॉरवर्ड होगा, सबसे पहले स्कॉलरशिप उन्हें की आएगी। इसलिए आपके पास समय है, वक्त है, आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर दीजिए। और यहाँ आए प्रमाण पत्र को मैंने आपको बता दिया, जनरल OBC SC ST के सभी अभ्यर्थी हैं। ठीक है, BA BSc हालांकि वेबसाइट थोड़ी सी आपको स्लो चल रही है, लेकिन आप वेबसाइट को ध्यान न दीजिए। ठीक है, साइबर कैफ पर या जैसे भी आप जो भी आपके पास साधन है आप उसी से फॉर्म को अप्लाई करें, अन्यथा की स्थिति में आपकी जो आवेदन की लास्ट डेट है वो पूरा दिसंबर, हालांकि अभी आपके पास बचा
हुआ है, ठीक है। अभी आगे भी जो डेट बढ़ने के चांसेस हैं, चूँकि वेबसाइट आपकी नहीं चल रही, हालांकि मैं ये कहूँगा कि आप डेट बढ़ने के इंतज़ार में न बैठे रहें। खुदा न खास्ता डेट नहीं बढ़ती है तो आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे, और स्कॉलरशिप भी आपका परम उद्देश्य होता है कि मुझे मिल जाए, थोड़ा सा जो भार है वो हल्का हो जाता है। इसलिए आप स्कॉलरशिप जो भी प्रतिपूर्ति है आप फॉर्म को बहुत जल्द से जल्द भर दें, ठीक है। जो पहले भरेगा सबसे पहले स्कॉलरशिप उन्हीं की आएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। डीएलएड वाले और बीएड वाले भी ध्यान देंगे कि अगर आप पहले ऑनलाइन करते हैं तो पहले आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।